बहुत से मैरिड कपल्स से कंप्लेन लेकर आते हैं कि हम पेनिट्रेटिव सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। ये वो कपल्स हैं जिनकी शादी अभी अभी हुई है या वो पहले से वर्जिन थे और अब जब उन्होंने सेक्स परफॉर्म किया तो पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं। वो ये कंप्लेन लेकर आते हैं कि शायद मेरी वाइफ में प्रॉब्लम है या मुझ में प्रॉब्लम है या मुझे इरेक्शन नहीं आ रहा है, कैसे करना है हमें नहीं आता है। क्या पेनिट्रेशन ठीक से ना हो पाना आपकी भी प्रॉब्लम है? क्या आप भी वर्जिन है और आपके अभी शादी हुई है और ये प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कुछ आसान तरीके और टेक्निक्स मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपकी मैरिटल लाइफ बेहतर हो पाए और आप एक अच्छा सेक्स इन्जॉय कर पाएं। इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये समस्या बहुत ज़्यादा आम है स्पेशल मैरिड कपल्स में जो पहले से सेक्सुअल एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या उन्होंने कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ा नहीं है या प्री मैरिटल सेशंस नहीं लिए हैं। साथ साथ जब आप फर्स्ट टाइम परफॉर्म करते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डर, एंजाइटी या फिर लैक ऑफ एडुकेशन की वजह से जब आपको कोई ऊटपटांग के एडवाइसेस देता है तो उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो जाते हो, आप नर्वसनेस फील करने लगते हो और ऐसे में जो ल्यूब्रिकेशन है या जो आपका फ्री कम है वो नहीं बनता है जिसकी वजह से इरेक्शन अच्छे से नहीं आ पाता है और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो सकता है और उस डर के कारण काफ़ी लोग परफॉर्म करते ही नहीं है और करते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे आने वाला प्रोसीजर बहुत ज़्यादा पेनफुल होने वाला है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप फर्स्ट टाइम करें तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाएं, काफ़ी सारा कम्युनिकेशन ऑन द प्रेफरेंसेस करें, प्रॉपरली कंसेंट लें अपने पार्टनर से और धीरे धीरे करने की कोशिश करें। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट टाइम में ही बेटर हो, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ज़बरदस्ती करेंगे तो हमेशा के लिए डर का सबब बन जाएगा और आपका पार्टनर आगे भी उतनी आसानी से पेनिट्रेटिव सेक्स इन्जॉय नहीं करेगा। इसलिए बेटर ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, उसको बहुत प्लान करके करें, मेंटल प्रिपरेशन रखें, वजाइनल ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल करें। मार्केट में बहुत सारे ल्यूब्स अवेलेबल हैं जो आपको सेक्स को एंजॉय करने में हेल्प करेंगे। साथ साथ अच्छी पोजीशंस के बारे में पढ़ें, क्या क्या और टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे आप सेक्सुअल प्लेजर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करें और एक्सप्लोर करते रहें। सिर्फ ये नहीं कि मेरे पे ये टेक्निक फॉलो करती है तो मुझे यही करना है। कभी कभार जब हम पोजीशंस को चेंज करते हैं या फिर दिन का टाइम बदलने की कोशिश करते हैं या फिर थोड़ा सा बातचीत करके करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे का सेक्स बेटर हो सकता है। ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा। अगर आपको लगता है कि पहली बार में करने से ही हर कोई कर पाता है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जब आप अप्रॉक्सीमेटली अपने 30s में या 28s में शादी करते हो ऐसे में आप लोग इतने मेच्योर हो चुके होते हो कि आप सरेंडर नहीं कर पाते हो एंड सेक्स ओनली बिकम प्लेजरेबल जब आप अपने पार्टनर के साथ सरेंडर करते हो। तो ऐसे में जब आप दोनों अपनी मेच्योरिटी और इंटेलिजेंस को यूज़ करते हो तो हो सकता है कि पेनिट्रेटिव सेक्स या बहुत ज़्यादा पेनफुल या बहुत ज़्यादा क्रिंजी और बहुत अजीब सा लगने लगे और आप उसे अचीव ना कर पाओ या उसमें प्लेजर ना फील कर पाओ। बट इट्स ओके, टेक इट स्लोली, ट्राई टू डू इट, छोड़ना नहीं है, ट्राई करते रहो, एक अच्छे सेक्स काउंसलर की सलाह लो, बात करो और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ये आपको हेल्प करेगा। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू डू, द मोर ईजिली एंड कम्फर्टेबल इट विल बिकम। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझसे भी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com। यहाँ पे आपको वीडियो, वॉइस और चैट के ऑप्शन के थ्रू मैं आपकी हेल्प करूँगी टू गेट बैक इन टू योर इंटीमेसी, बेटर एंड बेस्ट इंटीमेसी लेवल्स। और भी ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स आपके आसपास भी अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन अगर आपको डाउट्स हैं या आप कहीं रुक रहे हैं तो प्लीज़ सलाह लेने से मत डरें। और ऐसे वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।